हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल अनदर वीडियो। क्योंकि आज का वीडियो अलग किस्म का होने वाला है, क्योंकि हम लोग जाने वाला है गुवाहाटी। क्योंकि गुवाहाटी में हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं ऐसे ट्रेवलिंग। तो गाइस वीडियो को देखो, देखते रहिए, रास्ते में क्या क्या देखने को मिलेगा मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो खाली गाँव मिल चुका है। अभी देखो यहाँ पे ऑयल बनाता है खालीगाँव, बोंगाईगाँव के अंदर है ये, बोंगाईगाँव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। देख सकते हो गाइस, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले सीधा कामाख्या टेम्पल, इसके बाद जाएंगे जू। जू फर्स्ट हो जाएंगे, क्योंकि कामाख्या देखने के बाद सीधा होटल में जाके रुकेंगे, इसके बाद कल जू में जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोल गेट, मतलब रोड टैक्स देना पड़ता है। टोल गेट पर करने के लिए यहाँ पे रिसर्च करना पड़ेगा, पहले रिसर्च करते हैं इसके बाद निकलते हैं गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगा लिया, अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी चलो चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पहला टोल गेट मिल चुका है, देख सकते हैं आप लोग, इसको पार करके और दो या तीन ऐसा टोल गेट मिलेगा रास्ते में। जो रास्ते में क्या क्या व्यू, मतलब मजा आ गया गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं बोरपेटा मिल चुका है, लेफ्ट साइड से बोरपेटा जाते, मतलब ये बोरपेटा ही शायद, मेरे को अच्छे से नहीं पता, बट बोरपेटा मिल चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ आर्मी ट्रागे जा रही है। यहाँ पे एक छोटा सा फ्लाई ओवर, देख सकते हैं गाइस बारिश आ गई, क्या कहूँ यार, मतलब बारिश 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 होता रहता है हमारे आसाम में गाइस। देख सकते हैं अभी यहाँ पे भी बारिश आने वाला है, बट उस पे देख सकते हैं छोटा सा पहाड़। तो उस साइड भी देखो पहाड़, इस साइड भी पहाड़। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों को थोड़ा ग्रैंड ब्रिज मिल चुका है, देख सकते हैं इंटरप्रदेश और आगाट ब्रिज। उस साइड देखो पहाड़, उस साइड भी पहाड़, राइट साइड भी पहाड़, सारी दिखे पहाड़ पहाड़। यहाँ का पानी बहुत ही, मतलब बारिश की वजह बहुत ही गंदा हो गया, बहुत ही लंबा ब्रिज है गाइस, शायद 500 मीटर ऐसा होगा, 400-500 मीटर। उस साइड भी है, इस साइड भी है, वो साइड जाने के लिए, इस साइड आने के लिए। गाइस देख सकते हैं यहाँ का व्यू, पहाड़ पानी, सब पानी और पहाड़ से घिरा हुआ ये छोड़े का एरिया। तो इसको फर करने के बाद सीधा गुवाहाटी मिलते हैं गाइस। तो देख सकते हैं गुवाहाटी मिल चुका है अभी। तो गुवाहाटी आने के बाद देख सकते हैं यहाँ का ट्रैफिक, मतलब हालत खराब करके रख देगा आपकी, इतना ट्रैफिक उठेगी क्या बताओ यार, एक घंटा या डेढ़ घंटे के बाद हम लोगों को जाने को मिला, इतना ट्रैफिक की क्या बताओ। तो फाइनली गाइस कामाख्या गेट मिल चुका है, अभी हम लोग कामाख्या गेट के अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो यहाँ का रास्ते का, मतलब फिर लो यार शिलोंग जैसा लगता है ये जगह, मतलब पहाड़ी एरिया में रास्ता, नीचे भी पहाड़, देखने में इतना अच्छा लगता है ना कि व्यू,
मज़ा आता है गाइस। लिटरली आप लोग आके देखिए तो आप लोगों को विश्वास तो नहीं होगा, बट आने के बाद आप लोगों को पता चल गया कैसा यह जगह बहुत ही अच्छा है। एयरपोर्ट तो बहुत ही अच्छा लगा। देख सकते हो पहाड़ या फिर कुछ ट्रस्ट, मतलब मेरे को तो नहीं पता किस चीज़ का ये है। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, यहाँ का व्यू देखो, पहाड़ों में घर, पहाड़ी एरिया में रोड, मतलब मज़ा आ गया गाइस यहाँ पे आके। यहाँ पे देख सकते हो देखो पहाड़ों में घर कैसे बना रहते हैं लोग, यहाँ पे कैसे बस रहते हैं लोग। भाई साहब इस साइड का व्यू का मैं कुछ कह ही नहीं सकता भाई, इतना अच्छा कि क्या ही बोलूँ मैं इस जगह के बारे में। सच्चे तो और अच्छा दिखता है। हम लोग यहाँ पे रुक के फोटो खींच रहे थे तो हम लोग को यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिला। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं कामाख्या मंदिर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए पहाड़ों में घर, यहाँ पे लोग बसे हुए, मतलब कैसे बने यार ये या पहाड़ों में घर रास्ता। सैल्यूट है भाई सैल्यूट। तो लेफ्ट साइड से कामाख्या मंदिर जाता है क्योंकि कामाख्या मंदिर के अंदर गाड़ी नहीं ले जा सकते, इसके बाद से ऊपर हम लोग गाड़ी पार्क करने के लिए जाते। गाड़ी पार्क करने के बाद सीधा कामाख्या मंदिर के अंदर जाते है गाइस। सबसे पहले तो यहाँ पे कार पार्क कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अभी आ चुके कामाख्या मंदिर के तरफ जा रहे हैं हम लोग। देखिए कितने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग है क्या बताओ गाइस, इतनी भीड़ है कि क्या बताओ। यहाँ पे मतलब सब लोग पूजा करने आते देखने आते हैं, या फिर जितनी भी दुकानें है ना सब जगह पे पूजा के सामान ही मिलता है सब दुकानों में। तो यहाँ पे देखिए सब पूजा के सामान मिलता है। यहाँ पे आपको पूजा करना है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको। तो वो रहा गेट, बोर्ड देख रहे हैं ना, वही कामाख्या मंदिर का गेट है अंदर जाने का। इतने सारे लोग आया हुआ है कि क्या बताओ। अभी हम लोग जाने वाला है मंदिर के अंदर मंदिर देखने के लिए, वो लोग नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को नहीं जाना नहीं देखना। तो हम लोग तीनों जाके देख के आते मंदिर। चलो मंदिर के अंदर घुसते एयर हगेट, यहाँ पे देख सकते हैं दो क्या ये मेरे को भी नहीं पता। तो सबसे पहले तो देख सकते मंदिर, मंदिर का मेन पार्ट देखने को मिला, मतलब पीछे से आना पड़ रहा है मंदिर के अंदर जाने के लिए पीछे। यहाँ पे कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, देख सकते हैं इतने सारे लोग आए हुए कि क्या बताओ गाइस। हो रहा मंदिर यहाँ पे देख सकते हैं, और ये रहा लायन। यहाँ पे लायन क्यों बना हुआ है मेरे को तो नहीं पता। देख सकते हो मंदिर गाइस, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो ये अंकल पूछ रहे कि क्या फोटो खींचेगा डिस्लेयर से, कि नहीं हमको नहीं किस बना फोटो वोटो नहीं सही है फोटो। यहाँ पे देख सकते यहाँ पे मंकी भैया यहाँ पे गुलू गुलू करते हुए, और ये अंकल फोटो खींच रहे। यहाँ पे कुछ लोग पूजा कर रहे,
और हम लोग पूजा करने के लिए नया आया पे सिर्फ मुंडे देखने के लिए आया। मैंने आप लोग को मुंडे दिखा दिया। ये मुंडे देखने के बाद हम लोग सीधा होटल में जाकर रुके, इसके बाद परसों जाएंगे, परसों तो नहीं कल जाएंगे जू देखने के लिए। मैं आप लोगों को जू में क्या क्या है वो सब कुछ भी दिखा दूंगा। तो सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके बताओ गाइस। जू देखने के लिए टाइगर, कोक्रोडाइल, हिप्पो, राइनो, लायन, ब्लैक पैंथर, टाइगर सब कुछ देखने को मिलेगा गाइस। मोर, कछुआ, मंकी, चिंपांजी भी देखने को मिलेगा, डियर और गड्ढा भी देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को नहीं मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आप लोगों को जूम एक के वो सब कुछ मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ पे मंदिर देखने के बाद हम लोग आ चुके हैं, आप लोग भी देख सकते हैं इतना अच्छा मंदिर की क्या बताऊँ मैं गाइस। या फिर इतने सारे लोग है कि इतना गर्मी है कि हम लोग पैदल चल रहे हैं, हमारा पैर ही जल गया गाइस, मतलब पैर जल चुका है अंदर से नहीं बाहर साइड से। तो ये रहा मंदिर, इसके अंदर बहुत सारे लोग है पूजा पाठ कर रहे हैं। हम लोग मंदिर देख के वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते ऐसा देखता है मंदिर, इतना अच्छा है कि क्या बताऊँ मैं गाइस। मेरे को यहाँ पे तो सबसे अच्छा लायन लगा, क्योंकि लायन के साथ फोटो खिंचवाने में बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पे। तो हम लोग मंदिर देख के आ चुके हैं, अभी हम लोग गाड़ी लेने के लिए आ गए, क्योंकि जाके होटल में रुकना है बहुत लेट हो जाएगा। तो हम लोग रास्ते में देख सकते या फिर रुके या क्या व्यू का मज़ा ले रहे। तो गैस आज के वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता, तो यही पे खत्म करती है। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, क्योंकि मैं बहुत थक गया इसकी वजह से ये वीडियो यहीं पे बंद कर रहा हूँ। तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।